प्रीतम ने ऐसे ही सिद्धार्थ पर एक के बाद एक वार करने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन उसे हर बार कामयाबी नहीं मिली। सिद्धार्थ, जो कि अब तक प्रीतम को बस एक आम लालची शख्स समझते आ रहा था, वो प्रीतम तो सचमुच बहुत खतरनाक था। सिद्धार्थ की पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुई थी और उसके अंदर अपने पेरेंट्स के दिए हुए संस्कार भी थे, इसीलिए अब तक वो कानून और तमीज के दायरे में रहकर सब कुछ कर रहा था। उसे इस बात को समझने में बहुत वक्त लग गया था कि शैतानों के लिए कानून कोई मायने नहीं रखती, वो लोग तो सिर्फ मरना या मारना जानते हैं। अगर इसी भाषा को प्रीतम समझ सकता था तो सिद्धार्थ ने भी ठान लिया था कि अब उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जब एक बार फिर प्रीतम वार करके थक कर चूर हो गया, सिद्धार्थ के एक ही पंच से वो दूर जाकर गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसका खंजर नीचे गिर गया तो बिना वक्त बर्बाद किए सिद्धार्थ ने उसका वही छुरा उठाया और प्रीतम के पेट में भोंक दिया। प्रीतम जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में सिद्धार्थ के लिए गुस्सा उफान मार रहा था। अब तक सिद्धार्थ का दिल ऐसा कुछ भी करने की गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन खुद की जान बचाने के लिए उसे प्रीतम की जान लेनी ही पड़ी। हवेली के भूतों के एक प्यादे का अंत हो चुका था। सिद्धार्थ अपने रास्ते के एक कांटे को तो उखाड़ चुका था, लेकिन वो उस औरत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था जो उसकी माँ की शक्ल अख्तियार कर उसके सामने आई थी। जहां पर प्रीतम नीचे गिरा, वहीं उस चबूतरे पर सिद्धार्थ को अगली पहेली दिखाई दी। सिद्धार्थ के शरीर से निकले खून की बूंद से वो अक्षर उभर आए। मौत के चुंगल में अकेले जाना होगा, रेगिस्तान के झरने का पता लगाना होगा, बच्चे मिलेंगे तुम्हें एक शर्त पर, खुद को बलि चढ़ाना होगा। यह पहेली तो सचमुच बहुत खतरनाक और नई तरह की थी। रेगिस्तान में पानी का जरिया तो शायद ढूंढने से कहीं मिल भी जाए, लेकिन झरना होना तो लगभग इम्पॉसिबल बात थी। बाबा की मदद के बिना ऐसी जगह को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस बार तो पजल में साफ मेंशन था कि सिद्धार्थ को वो काम अकेले ही करना था। इस काम को करने में बहुत ज्यादा वक्त और हिम्मत की जरूरत थी। हिम्मत की तो सिद्धार्थ के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर बात वक्त की जाती तो वक्त उसके पास बहुत ज्यादा नहीं था। इससे भी बड़ी बात तो यह थी कि सिद्धार्थ को चाहे जैसे भी हो उन बच्चों को ढूंढकर उस चुड़ैल से बदला लेना था जिसने उसकी माँ का रूप बनाकर उसकी भावनाओं से खेला था। अगर बात झरने की थी तो यह बात तो पक्की थी कि झरना पहाड़ से ही गिर रहा होगा। झरने में से ज्यादातर वही पानी नीचे गिरता है जो बारिश में पहाड़ों पर इकट्ठा होता है या घने जंगलों में पेड़ के पत्तों पर ओस तरह जमा हुआ होता है। इसका मतलब पहले से सिद्धार्थ को वो पहाड़ तलाश करना था जहां थोड़ा बहुत जंगल भी मौजूद हो। बात सिर्फ पहाड़ी की होती तो सिद्धार्थ एक ऐसे पहाड़ पर पहले भी गया था, लेकिन उस पहाड़ पर ऐसा कोई झरना नहीं था। सिद्धार्थ को वीरानगढ़ के हर दिशा में जाकर ऐसे किसी झरने की तलाश करना था। पहले उन्हें जो पहाड़ दिखाई देता था वो वीरानगढ़ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था, और उसी माउंटेन रेंज की पहाड़ी पर भी कहीं वो झरना भी मौजूद हो सकता था। सिद्धार्थ किसी भी तरह से अपने आप पर और अपनी माँ के नाम पर लगे हुए उस धब्बे को धोना चाहता था। हालांकि गांव के लोग भी इस बात को जानते थे, ये सब कुछ सिद्धार्थ की असली माँ ने तो किया नहीं होगा, लेकिन डूब तो उसी का था, इसीलिए जिनके बच्चे गुम हुए थे उन्हें किसी भी लॉजिक से समझाया नहीं जा सकता था। सिद्धार्थ ने अपने कदम आगे बढ़ाए और झाड़ियों से पटी रेत और धूल से सनी वीरानगढ़ की पगडंडियों पर वो पहले उसी तरफ निकला जिस पहाड़ पर उन्हें किसान की झोपड़ी दिखाई दी थी। वहां उस पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं थी और सिद्धार्थ का रास्ता रोकने के लिए कोई भी बुरी ताकत नहीं आई और वो आसानी से उस पहाड़ पर चढ़ गया। थोड़ी थकान मिटाने के लिए उसने एक दो बार लंबी सांस ली और थोड़ा पानी पिया। आसपास देखने पर उसे काफी दूर और ज्यादा ऊंचाई पर जंगल दिखाई देने लगा। खजूर के लंबे लंबे पेड़, कुछ घनी झाड़ियां और कुछ पेड़ उसे दिखाई देने लगे। रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा हुआ था। ज्यादातर चट्टाने नुकीली और सीधी ढलान वाली थी। यहां तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे सिद्धार्थ को लगे कि वो किसी खतरे की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो क्या सिद्धार्थ आसानी से उस झरने को ढूंढ निकालने वाला था? आसमान ने अपना रंग बदला, काले बादल छाने लगे
हवा के तेज झोंके बवंडर में तब्दील होने लगे और तेज आंधी चलने लगी। मजबूरी में सिद्धार्थ को एक जगह खड़ा होना पड़ा और उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। सिद्धार्थ के लिए अपने पैरों को जमीन पर जमाए रखना मुश्किल होता जा रहा था। शोर करती हुई हवा चट्टानों से ऐसे टकरा रही थी जैसे उनके टुकड़े टुकड़े करने पर आमाद हो। सिद्धार्थ ज्यादा देर खुद को नहीं संभाल पाया और तेज आंधी ने उसे करीब 3 फीट ऊपर उठाकर पास की चट्टान पर जोर से पटक दिया। वो ढलान पर फिसलने लगा। लुढ़कते वो बेर की कटीली झाड़ियों पर जाकर रुका। सिद्धार्थ की पीठ पर अंदरूनी चोटें आई थी और उसके पीछे की तरफ सिर से खून निकलने लगा था। कोई बहादुर कितना भी हो लेकिन इस तरह से चोट लगने पर मुंह से आह तो निकल ही जाती है, क्योंकि उस वक्त सिद्धार्थ अकेला था। वो दर्द की वजह से चीख पड़ा, आ, 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 आ। धीरे से कहराते हुए उठने के बाद अपने शरीर पर लगे कांटों को आहिस्ते से निकालकर सिद्धार्थ कुछ देर के लिए पास ही एक छोटी सी चट्टान पर बैठ गया। हवा अब भी तेज रफ्तार से बह रही थी लेकिन उसकी वेलोसिटी अब पहले से कम थी। अपने सिर पर उसने एक रुमाल कसकर बांध लिया और दर्द के बीच आहिस्ता से खड़ा हुआ। धीरे धीरे हवा शांत होने लगी। पीठ में लगी चोट की वजह से उसे चलने में अच्छा खासा दर्द हो रहा था। उस पर बार बार टूल बैग पीठ से टकरा भी रहा था। सिद्धार्थ ने अपने साथियों के कहने पर भी अपनी माँ पर शक नहीं किया था। ऑब्वियसली किसी भी बेटे को अपनी माँ पर इस तरह से शक करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब जब असलियत सिद्धार्थ पर जाहिर हो चुकी थी तो वो जल्द से जल्द उस चुड़ैल को ढूंढ कर उसे मुक्ति देने वाला था। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सिद्धार्थ फाइनली उस पहाड़ी के एक ऊंचे हिस्से पर पहुंच चुका था जहां पर घना जंगल था। अब तक सिद्धार्थ स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। थकान और चोट की वजह से उसका हाल बुरा हो रहा था। लगभग शाम के 5 से 5:30 बजने को थे। इन काली ताकतों से लड़ने के लिए फिजिकल स्टेमिना से कहीं ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ और व्हील पावर की जरूरत पड़ती है। जंगल में कदम रखते ही सिद्धार्थ के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जब कोई भी शख्स अकेले ऐसी किसी जंगल में कदम रखते जहां न बंदा हो न बंदे की जात, तो अच्छे खासे सूरमा की पतलून गीली हो जाती है। जंगल के पत्तों पर उसके पैर पड़ते ही जैसे ही पत्तों के दबने की आवाज आई, न जाने कहां से छोटे छोटे कांटों से भरी हुई एक बेल आई और उसने सिद्धार्थ के पैर को जकड़ लिया। यह सब कुछ नेचुरल नहीं था, इसके पीछे शैतानी शक्तियों का हाथ था। सिद्धार्थ को जो दर्द होने लगा था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। सिद्धार्थ ने झट से अपने बैग से वो खंजर निकाला और उस बेल को काटकर अलग कर दिया। इस तरह के छोटी मोटी परेशानियों से सिद्धार्थ जैसे शख्स को रोका नहीं जा सकता था। फॉरेस्ट एरिया था और उस पर मुकाबला भूतों से। हर कदम और भी ज्यादा सोच समझ कर रखना था। अब तक बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ था और सिद्धार्थ बिना मशाल या टॉर्च के आगे बढ़ सकता था। झरने की बहने की आवाज अब साफ साफ सुनी जा सकती थी। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान से पतली सी धार वाला झरना बह रहा था। नीचे की तरफ जहां वो झरना गिर रहा था वहां उस पानी के बीच से वहां बनी एक खतरनाक से गुफा दिखाई दे रही थी। हो ना हो गांव से गायब किए गए बच्चों को उस गुफा में ही रखा गया होगा। सिद्धार्थ अपने साथ लाई हुई रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। गुफा में झिंगूर की आवाज आ रही थी। उछल उछल कर चट्टानों पर पैर जमाकर वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। झरने के पानी का शोर और इधर उधर उड़ती हुई चमगादड़ों के पंखों की आवाज, इस सब के अलावा वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या सचमुच बच्चों को वहीं रखा गया था? थोड़ी देर बाद जब सिद्धार्थ फाइनली उस गुफा के पास पहुंचा तो उसने पाया कि उस जमीन पर इतनी काई थी कि पैर जमाना पॉसिबल ही नहीं था। उसने जैसे तैसे पैर जमाने की कोशिश की और वो मुंह के बल नीचे गिर गया। सिद्धार्थ पहले से ही बहुत ज्यादा दर्द और थकान को बर्दाश्त कर रहा था और अभी मुंह के बल गिरने से उसके मुंह में चोट आई थी और खून निकलने लगा था। उसकी कोहनी भी चोटिल हो गई थी। वो उठा और खुद को संभाल कर उसने गुफा में कदम रखा और उसके कदम रखते ही कानों को फाड़ देने वाली तेज चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनने के बाद सिद्धार्थ इस बात को लेकर श्योर था कि वो चुड़ैल वहीं मौजूद थी। सिद्धार्थ मेरे बच्चे तुम आ गए, आओ आओ अपनी माँ के पास आओ, गुफा के अंदर से आवाज आई।
उस आवाज को सुनने के बाद सिद्धार्थ का खून खौलने लगा था। थोड़ी ही देर बाद अंदर से बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। सिद्धार्थ ने अपने टूल बैग से टॉर्च निकाला और गुफा के और अंदर की तरफ चला गया। उसने देखा कि अंदर दीवारों पर मशाल टंगी हुई थी और वहां एक चबूतरे पर उन सारे बच्चों को सिर के बल सुलाया गया था। वहां एक बड़ी सी तलवार पड़ी हुई थी। आसपास कुछ प्यालों में खून रखा हुआ था और कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। उसके सामने एक बहुत बड़ी और भयानक शैतान की मूर्ति बनी हुई थी। उसके लंबे लंबे दांत बाहर थे और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि शैतान को खून से नहलाया गया था। वो जिस तरह का माहौल था उससे ये बात आसानी से समझी जा सकती थी कि वो चुड़ैल उन बच्चों का बलि देकर उस शैतान को खुश करना चाहती थी। अब असली मुकाबला होने वाला था, लेकिन अब तक सिद्धार्थ को चुड़ैल कहीं दिखाई नहीं दी थी। सिद्धार्थ को देखकर वो बच्चे और भी जोर जोर से रोने लगे और उससे अपने आप को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। उन बच्चों में कुछ बच्चे तो 3-4 साल के थे और कुछ 10 साल के। उनके मासूम चेहरों को देखकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। सचमुच ऐसे छोटे बच्चों की बलि देने के बारे में सोचने वाला कोई शैतान या उसका फॉलोअर ही हो सकता था। सिद्धार्थ, अब इन बच्चों के साथ तुम्हारा भी खात्मा हो जाएगा। यह कहते हुए उस चुड़ैल की आवाज वहां गूंजने लगी और इस बार वो फिर सिद्धार्थ के सामने सिद्धार्थ के माँ के रूप में ही आ गई। उसने सिद्धार्थ पर कोई हमला तो नहीं किया, लेकिन सिद्धार्थ के जख्मों से खून बहने लगा। वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। सिद्धार्थ के पास अभी भी मुर्दे की राख रखी हुई थी और उसके पास वो खंजर भी मौजूद था। ये बात तो वो नहीं जानता था कि क्या उससे उस चुड़ैल का खात्मा होगा, लेकिन उसने उस चुड़ैल पर वो राख फेंकी और जैसे ही वो चुड़ैल तड़पने लगी, सिद्धार्थ ने वो खंजर उसके दिल में भोंक दिया। वो चुड़ैल तड़पने लगी और सिद्धार्थ से कहा कि सिद्धार्थ वीरानगढ़ आया नहीं, बल्कि उसे उसकी किस्मत ने यहाँ भेजा है। उसे हवेली के शैतान ने साजिश रच के बुलवाया है। वो उस हवेली के असली शैतान का सामना नहीं कर पाएगा और अब वीरानगढ़ में सिर्फ और सिर्फ मौत का राज होगा। सिद्धार्थ ने उस चुड़ैल का काम तमाम कर दिया था। वो चुड़ैल अब खामोश हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने उन बच्चों को वहां से निकाला और मशाल जलाकर पूरी सावधानी से उन बच्चों को साथ लेकर गांव के लिए निकल गया। वो चुड़ैल जो सिद्धार्थ के माँ के वेश में थी, उसे मारने के बाद सिद्धार्थ का दिल बुरी तरह टूट चुका था। तो क्या सिद्धार्थ उन बच्चों को सही सलामत लेकर गांव में पहुंच पाएगा? उस चुड़ैल ने जो कहा था उसका मतलब क्या था? आखिर सिद्धार्थ की किस्मत उसे वीरानगढ़ क्यों ले आई थी? क्या वीरानगढ़ के लोग सिद्धार्थ की वजह से ये सब कुछ भुगत रहे थे? जानने के लिए सुनते रहिए